डायबिटीज के मरीजों के लिए खुशखबरी, समर्थ सोशल फाउंडेशन व जनरल हॉस्पिटल कोल्हापुर महाराष्ट्र द्वारा निर्मित एंटॉक्स-डी और एंटॉक्स-डी के नियमित सेवन से आपका इंसुलिन स्तर सामान्य होने लगेगा, जिससे एलोपैथिक दवाओं की जरूरत धीरे धीरे कम हो जाएगी। अगर आप नियमित रूप से 6 महीने तक एंटॉक्स-डी और एंटॉक्स-डी का सेवन करते हैं तो आप पूरी तरह से अंग्रेजी दवाओं से छुटकारा पा सकते हैं। अपनी डायबिटीज की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है सिटी स्टाइल के पास बैंक मोड धनबाद, मोबाइल नंबर 8987524675 और 9709044646। बड़ी खबर गोपालगंज से आ रही है। पुलिस और यूपी के शराब माफियाओं के बीच मुठभेड़ हुई है। दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चली, जिसमें एक होमगार्ड जवान और एक यूपी के शराब माफिया को गोली लगी है। घटना कुचायकोट थाना क्षेत्र के जलालपुर एसएमडी कॉलेज के पास की है। दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। घायल शराब माफिया की पहचान नवीन अख्तर के रूप में की गई है, जो यूपी के कुशीनगर जिला के सापुर का रहने वाला है। वहीं घायल होमगार्ड जवान बसंत मांझी बताए गए हैं, जो कुचायकोट थाना में तैनात है। एसपी अवधेश दीक्षित ने घटना की पुष्टि की है। सदर अस्पताल में एसपी ने पहुंचकर घायलों के इलाज के बारे में जानकारी ली है और शराब माफिया से पूछताछ की है। एसपी ने बताया कि अपसेट एक ट्रक से शराब की खेप बिहार आ रही थी। सूचना मिलते ही कुचायकोट थाने की पुलिस ने ट्रक का पीछा किया, जिस पर शराब माफियाओं ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की है, जिसमें शराब माफिया पर को पैर में गोली लगी है, जबकि शराब माफियाओं की फायरिंग में होमगार्ड जवान को पीठ में गोली लगी है। एसपी ने कहा कि पुलिस का ऑपरेशन जारी है, शराब माफियाओं को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सूचना मिला था कि कुछ शराब कारोबारी हैं, जो यूपी से अपना ट्रक शराब का ट्रक लेकर के और कुचायकोट से एंट्री कर रहे हैं। तो थानाध्यक्ष के द्वारा सभी पदाधिकारी को बताया गया और उसके बाद में छापेमारी की गई। तो जब पीछा छापेमारी के दौरान में पीछा किया गया, तो पीछे करने के क्रम में उन लोगों के द्वारा फायरिंग की गई शराब माफियाओं के द्वारा। फायरिंग में हमारे एक होमगार्ड ने बसंत मांझी, जिनको पेट में गोली लगा, तो इमीडिएटली हम लोगों ने उनको रश करके हॉस्पिटल में लेके आए और अलग अलग टीम बनाई गई जो अपराधी हैं उनका पीछा करने के लिए और उनको पकड़ने के लिए। उसी क्रम में अभी सुबह एक सूचना मिला था कि जलालपुर में कुछ अपराधी हैं जो इस तरह से फायरिंग करके भागे थे, वो छुपे हुए हैं और हथियार के साथ में हैं। तो हम लोग की टीम घेराबंदी कर उनको पकड़ने गई, तो उन्होंने उस पुलिस की टीम के ऊपर फायरिंग की। उनमें से जो एक अपराधी था नवीन अख्तर, इसको हम लोगों ने जवाबी कार्रवाई में उसको वार्निंग चेतावनी देते हुए और आत्मरक्षा बहुत कंट्रोल्ड फायरिंग की, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। और हम लोग अभी दोनों को सदर हॉस्पिटल में लेकर के आए हैं और इनके द्वारा कन्फेस किया गया है और भी कई सारे अपराधियों का नाम बताया है जो शराब कारोबारी हैं। जल्दी हम लोग उनकी भी गिरफ्तारी करेंगे। कहाँ के कारोबारी? जो कुशीनगर के कारोबारी हैं, कुशीनगर से शराब लेकर के आ रहे हैं, गोली जमालपुर में चल गई। बिल्कुल, तो जो भी प्रॉपर प्रोविजंस हैं, अलग अलग जो प्रावधान हैं वेलफेयर के अंदर, उन पर हम लोग उनको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि इनको क्या क्या सुविधाएं दी जा सकती।